दोस्तों आज के वीडियो में बात करेंगे इस मीवी मूनस्टोन ब्लूटूथ स्पीकर के बारे में, जहां पर मैं करने वाला इसकी अनबॉक्सिंग, बताऊंगा सारे फीचर्स, कैसे काम करता है, सब कुछ कवर करेंगे इसी वीडियो में। लेकिन उसके पहले अगर हमारे चैनल में पहली बार विजिट किया है तो सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए, घंटी बजे शुरुआत करते हैं वीडियो की। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राकेश, आप देख रहे हैं हैप्पी गाइड, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो दोस्तों इस प्रोडक्ट को मैंने ऑर्डर किया है अमेज़ॉन से और अमेज़ॉन की पैकिंग में आता है, यहाँ पे आप देख सकते हो और पैकिंग काफ़ी अच्छी है, तो फटाफट इसको अनबॉक्स करते हैं। ये इसका इनवॉइस और यहाँ पे इसकी प्राइसिंग लिखी हुई है 1599 रुपीज़, मतलब 1600 रुपये में 1 रुपया कम। फिलहाल इसको रखते हैं साइड में। सो दोस्तों यही है मीवी मूनस्टोन ब्लूटूथ स्पीकर और बॉक्स की पैकिंग तो काफ़ी अच्छी है, मतलब बहुत ही ज़बरदस्त पैकिंग की गई है और बॉक्स की क्वालिटी भी अच्छी है। और बॉक्स की अगर ओवरव्यू की बात करें तो यहाँ पर लिखा हुआ है इम्पोर्टेड एंड मार्केटेड बाय का डिटेल्स, और बॉक्स के इस साइड देखें तो यहाँ पर मीवी की ब्रांडिंग और उसका प्रोडक्ट का जो मॉडल है मीवी मूनस्टोन लिखा गया है। यहाँ पे कुछ भी नहीं है, यहाँ पे भी वही सेम चीज़, और पीछे साइड में काफ़ी कुछ डिटेल्स दी गई, तो यहाँ पर आपको मीवी की ब्रांडिंग देखने मिल जाएगी और यहाँ पे तरह तरह के फीचर्स और खासियत जो इस ब्लूटूथ स्पीकर में आपको देखने मिलेंगे। और इसी के साथ ही साथ यहाँ पे क्लियरली मेंशन है रिलायबल 1 ईयर वारंटी, मतलब इस प्रोडक्ट पे आपको 1 ईयर की वारंटी देखने मिलेगी। अरे खुल भाई, काफी दबा के पैक किया गया है इसका। ओह फाइनली पसीने छूट गए बॉक्स खोलते वक्त। एनीवेज जस्ट जोकिंग, सो बॉक्स तो खुल गया और ऊपर ही आपका हमारा चमचमाता हुआ प्रोडक्ट आपको दिख रहा है यहाँ पे मीवी मूनस्टोन, और देखने में तो फर्स्ट लुक में तो एकदम सुपर कड़क, एकदम मस्त दिख रहा है। और देखते हैं क्या मिलता है हमें बॉक्स में। सो बॉक्स में हमें एक USB चार्जर मिल जाता है, इसी के साथ साथ एक ऑक्स केबल और एक यूज़र मैनुअल, कैसे ऑपरेट करना है सब कुछ इसमें अच्छे से डिटेल में बताया गया। बट टेंशन मत लो, मैं भी आपको पूरा वीडियो में एक्सप्लेन कर दूंगा तो आपको पढ़ने की ज़रूरत तो नहीं ही पड़ेगी। तो दोस्तों यहाँ पर अगर बात करें मीवी मूनस्टोन के ब्लूटूथ स्पीकर के बारे में, तो यहाँ पर मैं फर्स्ट लुक में कहना चाहूँगा देखने में बहुत ही अच्छा लगता है, एकदम कॉम्पैक्ट छोटा सा और क्यूट सा देखने में लगता है। और यहाँ पर अगर आप ऊपर देखोगे तो यहाँ पर आपको 4 बटन देखने मिल जाएंगे। बेसिकली ये पावर वाला है, ये प्लस और माइनस के लिए, वॉल्यूम को अप एंड डाउन करने के लिए, और यहाँ पर आपको प्ले पॉज का ऑप्शन मिल जाता है। ऊपर का जो मटेरियल आपको देखकर मिल रहा है वो बना हुआ बेसिकली कॉटन के कपड़े से। और बात करें यहाँ पे पीछे साइड के एरिया के बारे में, तो ये बना हुआ बेसिकली प्लास्टिक का, लेकिन जो प्लास्टिक की क्वालिटी है बहुत ज़बरदस्त है। और इसी के साथ साथ ये मैट का लुक दे रहा है, तो यहाँ पे वो देखने में बहुत ही मस्त लगता है। और इसी के साथ साथ मैं यहाँ पे कहना चाहूँगा अंदर काफ़ी डिटेल लिखी हुई है इसी प्रोडक्ट के बारे में, तो यहाँ पे उसका मॉडल नंबर, बैटरी कैपेसिटी आपको मिल जाती है 1500 mAh की, यहाँ पे चार्जिंग का आउटपुट जितना दिया गया 5 वोल्ट से 1 एम्पियर तक का सपोर्ट करेगा। और पीछे साइड में आपको यहाँ पे मिल जाएगा आपको चार्जिंग पोर्ट और ऑक्स केबल का सपोर्ट, इसको जस्ट आपको ओपन करना है, एकदम आसानी से ओपन हो जाता है। और यहाँ पे ये कनेक्टेड है एक बोलते हैं ना मटेरियल से, जिसमें टूटने उठने का डर नहीं है और एकदम अच्छे से पकड़ा हुआ है, तो जस्ट आपको सिंपली ओपन करना है। और यहाँ पे आपको ऑक्स केबल, यहाँ पे चार्जिंग पॉइंट, और इसी के साथ ही साथ जो सबसे अच्छी बात है इस ब्लूटूथ स्पीकर की, यहाँ पर आपको microSD का स्लॉट देखने मिल जाएगा, जो कि एक बहुत अच्छी बात होगी इसी ब्लूटूथ स्पीकर की। तो और ये आसानी से बंद भी हो जाता है, खाली थोड़ा सा आपको प्रेस करना पड़ेगा, एकदम मस्त अच्छे से बैठ जाता है। और उसी के साथ ही साथ ही एक अपने लैनियर्ड के साथ आता है जिसमें लिखा हुआ है मेबी की ब्रांडिंग, तो बहुत ही अच्छी लगती है। और यहाँ पे जो लैनियर्ड का मटेरियल है, भैया बोल सकते हो जो क्वालिटी है इस लैनियर्ड की काफ़ी अच्छी है, आप इजीली इसको ट्रैवल करने के टाइम यूज़ कर सकते हो। बात कर लें यहाँ पे इसके USB चार्जर के बारे में, तो यहाँ पर आपको फास्ट चार्जिंग तो नहीं देखने मिलेगी, लेकिन जो क्वालिटी ऑफ द USB चार्जर है काफ़ी अच्छा है, मतलब इसके जो वायर है काफ़ी अच्छी क्वालिटी के है। और दूसरी तरफ मैं बात करूँ यहाँ पे जो ऑक्स केबल इसी के साथ में आता है उसकी भी क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, दोनों की वायर की जो क्वालिटी है सिमिलर ही है और देखने में काफ़ी अच्छी है। और तो दोस्तों अनबॉक्सिंग तो हो गई,
यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ कि अब इसको कनेक्ट कैसे करते हो। तो कनेक्ट करना बहुत ही आसान है, मतलब यूजुअली आप जो ब्लूटूथ स्पीकर कनेक्ट करते हो या फिर ब्लूटूथ हेडफोन कनेक्ट करते हो उसी तरह से इसको भी कनेक्ट करना है, एकदम आसानी से कनेक्ट हो जाता है। कनेक्ट होने के बाद आप कुछ देख लेते हैं सैंपल्स जो मैंने रिकॉर्ड किए हैं इसी मेबी मूनस्टोन ब्लूटूथ स्पीकर के। तो आवाज तो आप सभी ने सुन ली होगी इस ब्लूटूथ स्पीकर की कितनी अच्छी है, लेकिन यहाँ पे फिर भी मैं कहना चाहूंगा कैमरा जस्टिस नहीं कर पाएगा, क्योंकि सब कभी कभी यह होता है कि हम फोन से या फिर कैमरे से रिकॉर्ड करते हैं तो उसका ऑडियो कैप्चर नहीं होगा। लेकिन ट्रस्ट मी गाइस, इसका ऑडियो क्वालिटी एकदम जबरदस्त है। यहाँ पे बॉक्स में लिखा गया था क्रिस्टल क्लियर, और सच में यहाँ पे आपको जो साउंड की क्वालिटी है क्रिस्टल क्लियर है। जरा भी आपको आवाज या स्पीकर फटने का कोई भी एक्सपीरियंस नहीं देखने मिलेगा। दूर दूर तक बेस होता है, डेप्थ होता है, ट्रेबल होता है, सब कुछ एकदम सुपर्ब है, ऑसम है मेरे हिसाब से। अगर मुझे इसको रेट करना रहे इसके साउंड क्वालिटी के मामले में तो मैं इसको 10 out of 10 दूंगा। इतना अच्छा एक्सपीरियंस रहा मेरा इस ब्लूटूथ स्पीकर के साथ। मतलब यहां पे मैं कहना चाहूंगा जो 10 वॉट का साउंड आउटपुट होता है सच में यहां पे कंप्लीटली वो एक्सपीरियंस करने मिलेगा। आपको ऐसा लगेगा नहीं कि दूर दूर तक कि भाई आपको आवाज में कुछ कमी है। हाँ, जब आप प्ले करते हो तो एकदम बोलते हैं ना, एकदम आप फुल करोगे तो फिर ये थोड़ा ना झंझाने लगता है या फिर बोल सकते हो वाइब्रेशन आने लगती है, लेकिन उससे इसके साउंड पर कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। मतलब आपको ऐसा नहीं लगेगा कि यार फट रहा है। यूजुअली जो हमको चाइना के फोन्स में देखने मिलता था, कुछ जमाने पहले की बात बता रहा हूं, तो वहां पे हमको स्पीकर फटने की फील आती थी, लेकिन यहां पे ऐसा कुछ भी नहीं देखने मिलेगा, जो कि इसकी एक बहुत अच्छी बात होगी। क्योंकि दोस्तों यहां पे अगर हम ब्लूटूथ स्पीकर लेते हैं तो यूजुअली उसका मेन रीजन क्या है कि हम अच्छे से गाना सुन सके और एक्सपीरियंस कर सके, एंजॉय कर सके। अगर वो आपको नहीं मिलेगा तो मतलब नहीं है लेके। तो यहां पे मैं कहना चाहूंगा ये आपको डेफिनेटली कंसिडर करना चाहिए अगर आप ब्लूटूथ स्पीकर लेने का प्लान कर रहे हो। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, 1599 की प्राइसिंग है, अमेजोन से मैंने ली थी, आप मेवी के ऑनलाइन स्टोर से भी ले सकते हो, उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। और बात कर ले इस ब्लूटूथ स्पीकर के फीचर्स के बारे में, तो यहां पे एक सबसे अच्छी चीज लगी कि साउंड क्वालिटी तो इसका अच्छा ही है, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है या कोई डाउट नहीं है इसके साउंड क्वालिटी में। दूसरी बात, यहां पे आपको इनबिल्ट माइक मिल जाता है इसी ब्लूटूथ स्पीकर में। तो यहां पे दोस्तों आप सभी को अगर कॉल्स वगैरह लेना है तो ये आपको जरूर मदद करेगा। आप यूजुअली आप कॉल कनेक्ट करके रख दो और इसी के थ्रू बात करो, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, कोई कनेक्टिविटी का प्रॉब्लम नहीं है। मैंने पर्सनली खुद से टेस्ट करके आपको बता रहा हूं। और इसी के साथ साथ मैं कहना चाहूंगा यहां पे कि जब फोन से कनेक्ट करते हो या फिर कोई भी ब्लूटूथ अनेबल डिवाइस से कनेक्ट करते हो तो इजीली कनेक्ट हो जाता है। और उसके बाद समझ लो आपको कोई इनएक्टिविटी होती है इस ब्लूटूथ स्पीकर के साथ, समझ लो आपने फोन का ब्लूटूथ बंद कर दिया है, तो यहां पे आपको आफ्टर 5 मिनट्स ये ऑटोमेटिकली टर्न ऑफ हो जाता है, जिसके थ्रू आपकी बैटरी भी सेव होती है। मतलब कोई भी टेंशन लेने वाली बात नहीं, अगर आप गलती से आपके फोन का ब्लूटूथ बंद हो गया तो ये चालू रहेगा, ऐसा नहीं है भाई ये भी बंद हो जाएगा। बस इसको 5 मिनट का साइन दो, ये इनएक्टिविटी मिलेगी तो अपने आप बंद हो जाएगा, बैटरी सेव होगी। और जब मैं बात कर रहा हूँ बैटरी की, तो यहाँ पे आपको 1500 mAh की बैटरी मिलती है। अगर आप वॉल्यूम अगर बोलते हैं ना 70% तक यूज कर रहे हो तो फिर यहाँ पे बैटरी भी सेव होती है। 70 के ऊपर आप जाते हो इसके अगर वॉल्यूम के लेवल पे तो आपको थोड़ा सा बोलते हैं ना बैटरी का जो ड्रेनेज है या फिर बोलते हैं ना बैटरी ज़्यादा खींचेगा, तो इस चीज़ का जरूर ध्यान रखें। लेकिन आपका 70% पे भी आपको अच्छा खासा वॉल्यूम या फिर बोल सकते हैं अच्छा खासा साउंड देखने मिलेगा। तो दोस्तों मेरे हिसाब से ये ब्लूटूथ स्पीकर ना फुल वैल्यू फॉर मनी दे रहा है। और आपको मैं कहना चाहूंगा यहाँ पे कि अगर आप समझ लो अगर ये लेने का प्लान कर रहे हो तो ये आपको कहाँ कहाँ हेल्प कर सकता है, तो मेरे हिसाब से अगर आप फ्रेंड के साथ ट्रैवल कर रहे हो या फिर फैमिली के साथ ट्रैवल कर रहे हो तो ये इजीली कॉम्पैक्ट तो है, ये साइज में आप देख ही सकते हो, आप इजीली ट्रैवल कर सकते हो। इसी के साथ साथ ये थ्रेड भी दिया गया है जिसमें आप समझ लो बैग में बांध दिया, मास्क बस से जा रहे हैं आप लोग, कभी ट्रैकिंग वैकिंग कर रहे हो या फिर बोलते ना ग्रुप में बैठे हो, बस चालू करके लगा दिया, सब इंजॉय कर रहे हैं, तो यहाँ पे ये आपको ना एक छोटा सा ब्लूटूथ है लेकिन आवाज और इसकी जो बोलते ना साउंड क्वालिटी है वो एक नंबर है। मतलब मेरे हिसाब से तो कहना चाहूंगा ऑसम है। और दोस्तों अगर आपको लग रहा है कि यहाँ पे इस ब्लूटूथ स्पीकर में कुछ माइनस पॉइंट तो नहीं है, तो यहाँ पे मेरा एक्सपीरियंस एक ऐसा रहा कि जो मैं माइनस पॉइंट में कंसीडर तो नहीं करना चाहिए, फिर भी भाई अगर हर किसी का होता है, काफी बोलते हैं ना डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन, तो मुझे ये चीज अच्छी नहीं लगी इस ब्लूटूथ स्पीकर की। यहाँ पे आपको समझ लो मैंने यूट्यूब पे वीडियो देख रहा हूं और ये मेरा ब्लूटूथ स्पीकर कनेक्टेड है, तो अगर मुझे नेक्स्ट करना है तो यहाँ पे जो प्लस वाला आइकन है या फिर प्लस साइन जो बना हुआ यहाँ पे, उसको मैं 2 बार क्लिक करूं तो यहाँ पे वो नेक्स्ट हो जाना चाहिए आइडियली, बट ये नहीं होता था।
हालांकि जब मैं म्यूजिक फोन अगर मैं म्यूजिक सुन रहा हूँ, मेरा डिवाइस फोन से कनेक्टेड है तो मैं इसको दो बार प्रेस करूंगा तो फिर ये नेक्स्ट हो जाता है, लेकिन अगर मैं यूट्यूब के वीडियोस देख रहा हूँ तो उसमें वो नेक्स्ट वाला वीडियो प्ले नहीं करेगा इसको अगर मैं दो बार प्रेस करता हूँ, तो ये मुझे एक माइनस पॉइंट लगता है। बट हालांकि ये काफ़ी डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन, मुझे नहीं पसंद है, शायद हो सकता है आपके लिए ऐसा कुछ प्रॉब्लम ना हो, तो इसमें कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। और दूसरा इस बार इसके ब्लूटूथ स्पीकर के बारे में मुझे एक लगा कि यहाँ पे जो बटन दिए गए हैं ऊपर के, तो ये मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम लोग थोड़ा कोशिश कर रहे हैं या फिर छोटा बच्चे को हाथ में मिल गया, आपके घर में अगर कोई बच्चा है और उसके हाथ में मिल गया तो वो डेफिनेटली पूरी मेहनत करके ना वो निकाल ही देगा ये ऊपर के जो बटन दिए, तो शायद मुझे ऐसा लगता है कि कुछ प्रोटेक्शन देना चाहिए मे बी वाले को फ्यूचर में, अगर उनका नया वर्जन या नया मॉडल आ रहा है इस ब्लूटूथ स्पीकर को जिसमें वो थोड़ा सा अपग्रेड कर सके। बाकी तो मुझे और कोई भी ऐसा माइनस पॉइंट नहीं लग। तो दोस्तों मेरे हिसाब से मैंने काफ़ी पॉइंट्स इसमें कवर कर लिए इस ब्लूटूथ स्पीकर से, लेकिन फिर भी अगर आपका कोई भी सवाल या कोई भी सुझाव हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिए, कोशिश करेंगे कि आपके सारे के सारे सवालों का जवाब दे सके। और इसी के साथ मैंने प्राइसिंग बता दी 1599 अमेजॉन पर, डिस्क्रिप्शन में लिंक है इसके सारे मॉडल्स के, मतलब इसके जो ब्लूटूथ स्पीकर आते हैं मेवी के सारे मॉडल्स के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखे, वहां से आप परचेस कर सकते हो, इस चीज का आप जरूर ध्यान रखिए। और बाकी आप मुझे बताइए कि आपका क्या मानना है इसी ब्लूटूथ स्पीकर के बारे में, मेरा एक्सपीरियंस तो बहुत अच्छा रहा, बहुत मजा आया और सच में ये फुल वैल्यू फॉर मनी है, कॉम्पैक्ट एकदम मिनी, एकदम इजीली जेब में डाल दो और झुलचक करके जाओ। और इसी के साथ मैं कहना चाहूँगा प्राइसिंग तो मैंने बता दी, डिस्क्रिप्शन में लिंक है और मीवी के जो अलग अलग ब्लूटूथ स्पीकर के जो मॉडल है उसके भी लिंक में डाल देता हूँ, आप ज़रूर चेकआउट कीजिए। और फिर बाद में मिलते हैं अगले वीडियो में, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो ज़रूर लाइक करना, शेयर करना, और जो लोग नए हैं सब्सक्राइब करो यार, सब्सक्राइब करो हमारे हैप्पी गाइड चैनल को, हमारे हैप्पी गाइड फैमिली को, और इंस्टाग्राम पे फॉलो करो भैया, काफ़ी कुछ अपडेट वहाँ पे भी डाल रहा हूँ, तो फिर ज़रूर चेकआउट कीजिए हमारे इंस्टाग्राम को भी। और मैं आपको मिलता हूँ अगले वीडियो में, टिल देन कीप स्माइलिंग एंड कीप वॉचिंग हैप्पी गाइड, बाय बाय।